जाने माने संत और अटल सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद पर एक बार फिर अपहरण और बंधक बनाकर उन्हें रखने का संगीन आरोप लगाया। साध्वी से गृहस्थ जीवन में आए साध्वी चिदर पिता के पति ने यह संगीन आरोप लगाए हैं। साध्वी के पति बीपी गौतम का आरोप है कि उनकी पत्नी और दुधमय बच्चे को एक माह से देहरादून के रायवाला क्षेत्र में बने वैष्णवी अपार्टमेंट में अपहरण कर रखा गया है और इन आरोपों पर चिन्मयानंद आग बबूला हो गए और पीड़ित के साथ जमकर हाथापाई की है। आपको बता दें कि चिन्मयानंद पर 2011 में बलात्कार जैसे संगीन आरोप भी लगे हैं जिससे गिरफ्तारी के वारंट तब जारी हुए थे, लेकिन एक बार फिर अपहरण का आरोप गंभीर आरोप उन पर लगा है। मैं इस फ्लैट का मैंने किराया दिया। हाय रे कौन सा वाला लैपटॉप छीना है जोरों चक्कू की तरह से मेरा इसका लैपटॉप इसके साथ हो कानू में कौन सा बदतमीजी नहीं करिए मीडिया के सामने। लैपटॉप की बात कर रहे हैं किस लैप जो खींच के गाड़ी में रखा है आपने मेरे हाथ से छीना मेरे घर से आकर किसका लैपटॉप बोल क्या रहे इसके साथ ऐसे छोड़ रहे हो मैं हट जा रही हूँ हाथ लगा के दिखाओ उनको बदतमीज आदमी ऐसे झूठ क्यों बोल रहे लिख कर दो कि मैं अपना सामान लेकर जा रही हूँ। किसको लिख कर जगमोला जी को दो क्यों कौन है जगमोला कौन है जगमोला कौन तुम्हारे सामने करेंगे तो दे मांगेंगे अपने आप ये सही है कि तुमने कहा था कि हमें रहने की जगह चाहिए। अच्छा अब सामान क्यों छीन रहे हो सामान तुम्हारा एफिडेविट चाहिए तुम्हारा सामान मना कर दिया एफिडेविट नहीं तुमने फोन करके कहा था। ये गंभीर आरोप है। एक महिला आरोप लगा रही है कि जबरन उसे अपहरण कर रखा गया उसके बच्चे को रखा गया और जो तस्वीरें देखिए एक शख्स जो है चिन्मयानंद का समर्थक हो सकता है जिसके हाथ में पत्थर भी है और जब ये महिला बार बार कह रही है कि आपने हमें क्यों रखा तो चिन्मयानंद कह रहे हैं कि आपने कहा था कि मेरे पास जगह नहीं इसलिए आप रह रहे हैं लेकिन उसका सामान क्यों छीना गया ये जब महिला ने पूछा तो चिन्मयानंद के पास कोई जवाब नहीं था। अटल सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं स्वामी चिन्मयानंद संत हैं लेकिन देखिए एक गंभीर आरोप पहले भी बलात्कार का आरोप उन पर लग चुका है तो लेकिन ये बड़ा आरोप एक महिला जो कि खुद उनके सामने लगा रही है। दो जाओ भाई लिख कर दो कि मैं अपना सामान लेकर जा रही हूँ। किसको लिख कर पत्नी और बेटे को बंधक बनाया विवादों में एक बार फिर स्वामी चिन्मयानंद और इस संत ने हाथापाई भी की और उसका पति जो महिला का पति है वो ये आरोप लगा रहा है कि उसकी पत्नी को उसके बच्चे को अपहरण कर रखा गया। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची थी लेकिन स्वामी चिन्मयानंद आग बबूला हो गए वो गुस्से में दिख रहे थे उनका एक समर्थक हाथ में पत्थर लिए खड़ा था। लैपटॉप छीना है जोरों चक्कू की तरह से मेरा इसका लैपटॉप इसके साथ हो कानू में कौन सा लैपटॉप बदतमीजी नहीं करिए मीडिया के सामने लैपटॉप की बात कर रहे हैं किस लैपटॉप जो खींच के गाड़ी में रखा है आपने मेरे हाथ से छीना मेरे घर से आकर किसका लैपटॉप बोल क्या रहे इसके साथ ऐसे छोड़ रहा हूँ मैं हट जा रही हूँ हाथ लगा के दिखाओ उनको बदतमीज आदमी ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं लिख कर दो कि मैं अपना सामान लेकर जा रही हूँ। किसको लिख कर तुम कौन जगमोला जी को दो क्यों कौन जगमोला कौन है जगमोला कौन तुम्हारे सामने करेंगे तो दे मांगेंगे अपने आप ये सही कि तुमने कहा था कि हमें रहने की जगह चाहिए। अच्छा अब सामान क्यों छीन रहे हो सामान तुम्हारा एफिडेविट चाहिए तुम्हारा सामान मना कर दिया तुमने फोन करके कहा था